Hi friends, my name is Meet and you are watching Job Vacancy Updates YouTube channel. आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि TCS की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है, जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। वीडियो को आपने कम्प्लीट ज़रूर देखना है। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं वैकेंसीज और अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली भी जिसके लिए भी एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। और TCS की जो वैकेंसीज आउट की गई है ना, इसमें आप में से हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है और दोनों ही अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी अप्लाई आपको कैसे करना है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस जॉब के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। TCS की जो वैकेंसीज आउट की गई है, इसमें कोई एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे नहीं करनी है, डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है। किस बेसिस पे आगे मैं आपको बताऊंगी, पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिफिकेशन किनके द्वारा रिलीज़ किया गया है, TCS मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से नोटिफिकेशन है। परमानेंट आपकी ये जॉब रहने वाली है और फुल टाइम जॉब आपकी रहने वाली है। सो मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी आपको इसमें नहीं आएगी। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है। आप आज अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, आपको अप्लाई इसके लिए जरूर से करना है। फी आपको कोई पे नहीं करनी है। अगर एज की बात करें, मिनिमम 18 मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स रहने वाली है। किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम 40 के अराउंड हो सकती है, किसी पोस्ट के लिए अलग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिंक टू अप्लाई है, यहाँ पर आपको लिंक पर पहले क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये जो साइट है ना, कंपेटेबल नहीं है मोबाइल वर्जन में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप में डेस्कटॉप वर्जन पे सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, पहले यहाँ पे टिक करके आपको डेस्कटॉप वर्जन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने ऐसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले रही है, आप देख पा रहे हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। डेस्कटॉप वर्जन पे हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसीज है, पहली है आईटी के लिए, सेकंड है बीपीएस के लिए, जिसमें आप में से सारे कैंडिडेट एलिजिबल है ना, वो ए वाली प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज की, ये वाली आईटी वालों के लिए। जो आईटी में इंटरेस्टेड है वो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जॉब अप्लाई करके बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हमारे चैनल पर इसी के लिए एलिजिबल है। तो हम यहाँ पर बीपीएस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, आप वेट कर लेना, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला जो है प्रोसीजर, आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना होगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल आपको सेलेक्ट करना है, आप अगर जेंट्स है तो यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करोगे, अगर गर्ल्स है तो यहाँ पे मिस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई मैरिड है तो यहाँ पे मिसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम मेंशन करना है, सर नेम मेंशन करना है, मिडिल नेम रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके आपका है आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे डे मेंशन करना है, मंथ और ईयर। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करके, मेल है फीमेल है या अदर। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है,
ईमेल आईडी मेंशन और मोबाइल नंबर वही आपको करना है जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम मेंशन करना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन पास आउट किया है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कौन सी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सोर्स टाइप पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको जॉब का कहाँ से पता चला। उसके बाद आपके नियर कौन सा TCS ऑफिस है यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको क्लिक करने पर। और यहाँ पे अब अपना आपने पासवर्ड रख लेना है, री एंटर कर लेना है अपना पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं व्हाट इज़ योर पोस्टल कोड, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैनुअली नीचे टाइप करना होगा कि आपका पोस्टल कोड है, या व्हाट वाज योर फर्स्ट मोबाइल नंबर, फर्स्ट स्कूल नेम, या योर बर्थडे, या फेवरेट बुक। ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे ना उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, जो भी कैप्चा आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे एज इट इज़ मैंशन करके सबमिट कर देना। अब यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। आपने जो पासवर्ड रखा है वो याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा, बैक करके आपको लॉगिन कर लेना है। वैसे तो यहीं पे ही ऑप्शन आ जाएगी आपको ईमेल पे ही, आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके आपको इसके लिए लॉगिन हो जाना है। अब आपको फॉर्म फिल करना है, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट किया है, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अदर डिटेल्स आपको फिल कर देनी है।